सभा में आज अहम मुलाकात हुई प्यूटन और जो बाइडन साहब की। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या हाल अहवाल हुआ, और ये सब अरसे के बाद ये दो बड़ों की मुलाकात हुई है, क्या बात हुई होगी, क्या चार घंटे की लंबी की मुलाकात अफगानिस्तान के तनाजुर में और जो सर जंग नहीं शुरू हुई, सीरिया है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई हैं। सीरिया का तो इनको पुराना चला। देखिए पूरी की पूरी जितनी भी अमेरिका की प्रेजिडेंट्स की मुलाकातें हैं ना, किसी बैकग्राउंड के बगैर नहीं हुई। लंबी के 43 में पहली मुलाकात हुई थी रूजवेल्ट की स्टालिन के साथ, ठीक है, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अमेरिका चाहता था कि रशिया जो है इस वॉर के अंदर एंटर कर जाए और हिटलर को हम शिकस्त दे दें। और उस वॉर की बड़ी एक इंटिकेसी थी, और आपको अंदाजा करें कि उस वॉर के बाद रशिया एंटर हुआ था और हिटलर ने बुनियादी तौर पर गलत असेस किया था, और हिटलर के अंदर जो इनके जासूस थे उनको उठाकर उन्होंने रूस से लड़ा दिया, हिटलर को शिकस्त होगी। रूस की पास में सबसे बड़ी शिकस्त हुई थी उसको। फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक ट्रू मैन जो था उसका अमेरिकन, उससे थोड़ी सी मुलाकात की। लेकिन मुलाकात असल में शुरू हुई है आइजनहावर ईरा कहते हैं उसको, जब कोरियन वॉर शुरू हुई। सही। और कोरिया को उन्होंने तकसीम करना था, एक उन्होंने इलाका अपने लिए रखना था, एक इलाका उन्होंने अपने रखना था। उसके अंदर जब पहली उसकी मुलाकातें हुई हैं तो उसमें फिर कहते हैं कि वो चीज़ चल रही थी, लेकिन स्टालिन मर गया। स्टालिन चूंकि बेसिकली वो एक रिव्यूनिस्ट था, कम्युनिस्म के खिलाफ बिल्कुल हौसला की चीज़ थी, मुझे उसे रख के वो इंपीरियलिज्म की सूरत हाल थी, तो उसके मरने के बाद जब ख्रुश्चीफ आया है तो वापस कम्युनिस्ट के खिलाफ आया, तो चुप हो गई सारी की सारी चीज़ें। लेकिन ख्रुश्चीफ जो था उसने अपने इकदार को तूल देने के लिए और आगे उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए 1959 में पहला दौरा किया था अमेरिका का, जिसके एक साल के बाद मिजल क्राइसिस आ गया था और क्यूबा में उन्होंने रशिया ने अपने मिसाइल लगाने शुरू किए थे, तो कैनेडी हीरो बना था। कैनेडी पूरी रात वहां पर टीवी में बैठा रहा था कि वापस ना ले गया तो हम ये कहते सेकंड वर्ल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर की ब्रिंक पे आ गया, तो नहीं, वो भी बाद में लोग कहते हैं एक तमाशा था, मैं तो अभी बताना था कि नहीं हम ये भी कर सकते थे। यहां पर पाकिस्तान का रोल आया था, पाकिस्तान ने चाइना कार्ड चलाया था, खुफिया मिलाया था, किसिंजर को जहाज में ले गए थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जब टूट गया इन्हीं लोगों ने, दोनों मुल्कों ने तोड़वाया, तो फिर पाकिस्तान को छोड़ गए और निक्सन और जो मौजे तो इकट्ठे लहदा लहदा मिलते रहे। ये जो मुलाकात है ना उस्मान साहब, इस मुलाकात में चीन, अमेरिका, रूस और बाकी सारे लोग जो हैं ये अंडरग्राउंड लेवल पे ये तय कर गए, और कल तालिबान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि ये सारे इस बात पे एग्री कर गए हैं कि हम निकल जाते हैं जमहूरियत रह जाए। अच्छा, वो कैसे रहेगी कि ये जो सिस्टम है इस तरह का अफगानिस्तान का, ये इससे तरह चलता रहे और तालिबान को अग्री करें, और तालिबान पे शदीद प्रेशर डाला जा रहा है, यानी तालिबान जो है ना शरीक इक्तदार हो जाए, इक्तदार हो जाए, बेशक एज अ सीनियर पार्टनर हो जाए, लेकिन इनको भी साथ रख लें। अच्छा, और उसमें आइन में तब्दीली कर लेंगे, ये इस्लामी शरीयत काउंसिल बन जाएगी, इसका मतलब वहां भी तमाम कई एक साथ रख सब। रशिया ने भी उनको कहा है, उनको चाइना ने भी कहा है, उनको बाकी ये एक वहां पर तय होने के। तालिबान ने आज कहा है कि आज अशरफ गनी छोड़ के चला गया मुल्क, इट्स अ न्यूज। अच्छा, अब वो छोड़ के अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनकी इतला ये है कि वो पैक करके बंद करके चला गया है और उनको अब पार्टनर नहीं मिल रहे ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जाहिर बात है आप जमहूरियत जो है वो फरिश्ते ला के थे नाश में करेंगे। दूसरा अहम इशू है सीरिया का। सीरिया के अंदर इनकी आपस में एग्रीमेंट हुई थी और एक इलाका है देर जूर, सही, जिसमें जो कभी किसी जमाने में ISIS के पास था, दाइश के पास, उसमें सब सीरिया के वाहिद ऑयल रिजर्व फील्ड वहीं पर है, उसके ऊपर उनका था हम टैप नहीं करेंगे, लेकिन दरिया फरात के किनारे तुम बैठो, दरिया फरात के किनारे हम बैठेंगे। ये ऐसी सूरत हाल है जिसपे आज उन्होंने कहा है कि सीरिया का जो वहां पर फाइटिंग फैक्शन है उन पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बंद करवा दो। आप अंदाजा करें कि 60 लाख महाजर, 10 लाख लोग जो हैं वो यतीम हो चुके हैं, बच्चे 6 लाख शहीद हो चुके हैं, उसमें आप रशिया से कह के उस पोर्ट जो है अंताकिया की जो पोस्ट है पोर्ट है उससे आप ह्यूमन स्टेशन बंद, आप तो सीरिया को गजब बना रहे हैं और दोनों मुत्तफिक हैं। तो ये सारी आलमी ताकतें फिर अपने आप को दोबारा मंजरनामे पर लाना चाहती हैं, क्योंकि तालिबान की अफगानिस्तान की डिफीट इतनी बड़ी है कि जिस डिफीट को एक और सूरी बात सबक नहीं सीखते इन डिफीटों से, यानी 15 साल पहले वो छितर खा के निकले बकौल रूस, अभी ये चित्र खा के निकले हैं, लेकिन नहीं फिर उतार पात्र क्या करें। अच्छा चले जी, अल्लाह खैर करे।